ताई सबके जीवन में नई सौगात लेकर आया है, जहाँ पे लोग जो है हर अलग अलग तरीके से 2023 को सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। कोई पिकनिक के स्पॉट जाता है या फिर कोई पार्क में जाकर मनाता है। वहीं कहीं ना कहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरबादी मैदान के स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खादी मेला यहाँ पे किस तरह लगा है और लोग जो है यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। 2023 को काफ़ी कुछ इस तरह से भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे भी झूले सारे लगे हैं, लोग जो है यहाँ पे खरीदारी सब भी करने पहुँचे हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे 2023 जो है लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। लगभग जो है कोरोना के 2 वर्ष गुजर जाने के बाद जो है लोग यहाँ आए हैं घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे और भी दुकानदार सब जो है वो है यहाँ पे, और लोगों का जो है यहाँ पे पूरा भीड़ लगी हुई नज़र आ रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक महिला है, हम महिला से जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। लगभग जो है 2 वर्ष गुजर गया कोरोना का, कैसा लग रहा है कोरोना के 2 वर्ष गुजर गए हैं और कहीं ना कहीं ये खुशी का माहौल जो उत्साह का माहौल जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप 2023 को सेलिब्रेट कर रही हैं? बस अच्छा लग रहा है, कोरोना का समय गुजर गया है, एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग मिल रहे हैं, फिर भी हमें रखना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए जी। कहीं ना कहीं अब जो है कोरोना के जो चौथी लहर है, चौथा वेव जो है वो आने की आशंका नज़र आ रही है, डॉक्टर्स जो इसे लेकर के अलर्ट करते नज़र आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमें भी एहतियात बरतना चाहिए जी, ध्यान रखना चाहिए। बस किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है 2023 को, लोग पब जा रहे हैं, केक काट रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुशी मिल जाए एंजॉय करना चाहिए, उस बस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणुका। रेणुका, वो कहाँ से आई हैं आप? हम यही मुराबादी में। कैसा लग रहा है ये मुराबादी का नया माहौल देखने को जो मिल रहा है, वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा जी। तो जैसे कि यहाँ पे लोग जो है वो इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे साथ एक भैया भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है यहाँ पे 2023 इस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है? अगला साल तो कोरोना लॉकडाउन था, इसके मुकाबले में अच्छे से आ जाइए इधर। कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा, मतलब रांची से। रांची से है, रहने वाले हरियाणा के है क्या? अच्छा, रहने वाले हरियाणा के, यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं, नया साल सेलिब्रेट करने आए हैं। यस। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? घूम फिर के सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। तो जैसा कि लोग जो है कैसा लग रहा है 2023 जो है आ गया है, क्या कुछ करने आई हैं आप, किसके साथ आई हैं? अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ कहाँ रहती हैं आप? हम यहाँ तो नहीं रहते, बट डीपाटोली कैंप में। डीपाटोली में रहती है, कैसा लग रहा है? उधर झूला वगैरह लगा है, एंजॉय कर रही है? हाँ, 2023 एंजॉय कर रही है। हाँ जी, तो बच्चे जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं 2023 को, हालांकि जो अगला साल गुजरा था वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा मायूसी पे गुजरा था। लोग जो थे कहीं ना कहीं कामना कर रहे थे कि उनको जो है अच्छे से दिन गुजरे, पर वही कहीं ना कहीं ये दिन जो है देखा जा रहा है। वही हमारे साथ एक भाई मौजूद है, कैसा लग रहा है भाई ये 2023 सेलिब्रेट करके? अच्छा लग रहा है। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बस सबके साथ, सबको खुश देकर हम भी खुश हो रहे हैं। लोग केक काट रहे हैं, पब जा रहे हैं, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, फॉल जा रहे हैं, पिकनिक स्थल जा रहे हैं। आप यहाँ पे इस वक्त? एक्चुअली घर सामने है और नया साल था, पहला दिन था, सोचा परिवार के साथ ही गुजारे। फिर पिकनिक जाना है? पिकनिक नहीं जाना, परिवार के साथ ही। परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कुछ पकवान पक रहे, क्या कुछ खास लग रहा है आपको इस बार, अगले साल के मुकाबले इस बार क्या कुछ खास लग रहा है? पेंडेमिक के बाद पिछले साल तो दिक्कत था जी, लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, मन में जो भावना था व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इस साल फूटा है सबका, खुल के निकल रहा है। लेकिन वही कहीं ना कहीं अब जो चौथा लहर है वो सामने आ रहा है सर, लोगों के मन पे अब जो डर है वो पनपना शुरू हो गया है। अब प्रिकॉशन तो लेना होगा, कोरोना वायरस पूर्ण रूप से ख़त्म तो नहीं हुआ, तो पहले भी बताया गया था भिन्न भिन्न मीडियाओं के माध्यम से, ख़त्म तो नहीं हुआ, प्रिकॉशन लेना है। हम खुद में कोशिश करें कि सुरक्षित रहे और अगले को भी इंश्योर करें सुरक्षित रहे, यानी कि अगले को भी आप ये संदेश दे रहे हैं कि सुरक्षित रहे और सेलिब्रेट अच्छे से किया अच्छे से किया जाए, लेकिन अपना सुरक्षा सबसे प्रथम। इस बार क्या कुछ सौगात रहेगी सर आप लोगों की? बस हम लोग तो सौगात बोले तो क्या, कुछ विभिन्न कार्यों के साथ आप लोग चलेंगे? बस हम लोग तो जनता के सेवक हैं जी, और कभी मुसीबत में हो लोग तो वहाँ पे हेल्प, हमेशा 24/7 कभी भी कहीं। अपना परिचय दे दीजिए। बलेंद्र कुमार सिंह,
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस। ओके सर, थैंक यू जी। तो जैसा कि आपने सुना कि हमने बात की इनसे कि उनको कैसा लग रहा है, और वो जो है अभी लोग जो है कोरोना को लेकर के भी सतर्कता बरतते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों में जो है काफ़ी 2023 को लेकर उल्लास तो नज़र आ रही है, पर कहीं ना कहीं सावधानी भी वो लोग जो है बरत रहे हैं। हमारे साथ यहाँ सहारनपुर से एक चाचा मौजूद है जिनका नाम महताब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुकान है जो कि फर्नीचर की है, और काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत से फर्नीचर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वहीं हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम मेहताब आलम है, सहारनपुर से आए हैं जी, उत्तर प्रदेश जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जी, है जी, यूपी से। हाँ, यूपी से आप यहाँ आए हैं जी जी। अच्छा, क्या कुछ रेट में आपकी फर्नीचर्स बिक रहे हैं? देखो मैडम, हर तरह का रेट है, शीशम का रेट अलग है, असम टिक का रेट अलग है, हर तरह की रेट है हमारे अलग अलग रेट जी, जी। कोरोना काल जब था तो लोगों को माल निकालने में, बिक्री करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही थी, वहीं ख़त्म होने के बाद लोगों के बिक्री में सुधार आने लगा। वहीं आप इस वक्त आए हुए हैं मुरबादी के से, जहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मेला लगी हुई है, तो क्या लगता है कि आपने जो पूंजी लगाई है इस पे यहाँ आने में और चीज़ों में, तो क्या उसका बेनिफिट जो है आपको मिल पा रहा है? अभी तो मैडम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, उम्मीद है, उम्मीद है, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा जी जी जी। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है 2023 हर किसी के लिए नई सौगात लेके आता है, कैसा लग रहा है ये 2023 आपको सेलिब्रेट करके, वो भी यहाँ पे रांची के जैसे शहर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा जी जी जी। तो जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि तरह तरह के जो फर्नीचर्स है यहाँ पे, पलंग हो या सोफ़ा सेट हो या फिर गुलदस्ता हो या पॉट हो, सारे यहाँ पे आपको लकड़ियों के मिलेंगे, और लोग जो है काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पे जो है ख़रीदारी करने पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जो है आप चेयर्स देखेंगे, वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, मौजूद मिलेंगे यहाँ पे, हर एक चीज़ें जो है, मिठाई हो या फिर यहाँ पे मिठाई हो, कपड़ा हो, सैंडल हो, जूता हो, या फिर और भी अन्य श्रृंगार के सामान हो, सारे चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। लोगों में काफ़ी ज़्यादा हर्षो उल्लास देखने को मिल रहा है, लोग जो है पिकनिक पैटर्न ज़्यादा जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, वहीं कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप से लोग जो है सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के लोगों में जो है डर भी ना हुआ है। वहीं अभी इस वक्त तो उतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ नज़र नहीं आ रही, पर शाम होते ही यहाँ पे लोगों का मजमा जो है लगता हुआ नज़र आता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।